दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आपका स्वागत कर रहा हूं एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर। जैसे कि मैंने जिक्र किया था, ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी की पूरी सीरीज 7 एपिसोड का होगा। आज पहला एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं इंजन के टॉपिक के ऊपर। पहले हम जान लें कि जब ट्रैक्टर आप देखने जाते हो या खरीदने का सोचते हो, तो खाली बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर कैसे दिखता है, बाहर क्या फीचर है, वही आपको जानने को मिलता है। मगर इस एस्कॉर्ट टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर आप बाहर ही नहीं, ट्रैक्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उनकी बारीकी से जानकारी भी आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, इंजन, क्लच, गियरबॉक्स, स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक्स, क्राउन पिनियन और रिडक्शन, और आखिर में पीटीओ। तो ये सारी 7 एपिसोड के अंदर हम हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंजन। इंजन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि पूरी ट्रैक्टर को ये ताकत या पावर पैदा करता है और सप्लाई भी करता है। अगर इसकी वर्किंग की बात करें हम, तो ये केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ट्रैक्टर में डीजल के इंजन होते हैं। इंजन टेक्नोलॉजी अगर जानना चाहोगे तो ट्रैक्टरों में अक्सर आता है एवीएल टेक्नोलॉजी। जर्मन की भाषा के अंदर एवीएल का पूरा मतलब होता है अनस्टॉल्ट वर्बतनून क्राफ्ट मशीनिन लिस्ट। अगर इसको मैं इंग्लिश में अनुवाद कर रहा हूं तो यह हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, जो स्थित है ऑस्ट्रिया देश के अंदर, जो जर्मनी में आता है। जो एस्कॉर्ट की ब्रांड है फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टर, इन्होंने किया क्या है, उस एवीएल टेक्नोलॉजी के अनुसार इंजन अपने फैक्ट्रियों में बनाते हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि एवीएल टेक्नोलॉजी होता क्या है और इंजन में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो पहला चीज जो सबसे मुख्य है उसका नाम है हेलिकल एयर इनटेक। तो ये हेलिकल एयर इनटेक पैसेज ऐसा होता है कि इसकी जो एयर इनलेट होती है इनलेट मैनिफोल्ड से, इसकी एयर इनलेट मैनिफोल्ड और जो वॉल आता है वॉल के ऊपरी भाग में ऐसे घुमावदार रास्ता बनाई जाती है, जिससे अंदर आने वाली जो हवा घूमती हुई आती है और जब ये पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में जाता है तो एक चक्रवात पैदा करता है। ये मददगार होता है जब डीजल की छिड़काव होता है, डीजल और हवा के मिश्रण अच्छे से बनने में मददगार होता है। तो आइए एक छोटी सी एनिमेशन के द्वारा इसको जानने की कोशिश करेंगे। इंजन के अंदर जाने वाली हवा सिलेंडर हेड में बने घुमावदार रास्ते से होती हुई सिलेंडर में जाती है। इस घुमावदार रास्ते की वजह से हवा सिलेंडर में जाकर घूमने लगती है। कंबस्चन स्ट्रोक से कुछ पहले जब डीजल एक महीन फव्वारे यानी भाप के रूप में सिलेंडर में आता है, उस समय ये घूमती हुई हवा डीजल को अच्छी तरह फैला देती है और एक सही मिश्रण बनाती है, जिससे डीजल को शीघ्र जलने में सहायता मिलती है। अगला जो फीचर है इसका नाम है री एंट्रेंट कंबशन चेंबर। तो ये पिस्टन के ऊपर एक ऐसी बनावट की जाती है कि जब हवा अंदर आती है तो ये पिस्टन के बनावट के अंदर भी हवा चली जाती है और दोहरी चाल बनाती है, जिससे क्या है, एक तो पिस्टन के ऊपर ऐसे चक्रवात था और दूसरी तीसरी होती क्या है, पिस्टन के अंदर भी एक अलग से चक्रवात पैदा हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी हवा और जो डीजल छिड़काव होती है तो वो पूरा मिश्रण होने में बहुत मददगार होता है। जब डीजल और हवा के मिश्रण बहुत बढ़िया होता है तो पूरा का पूरा डीजल जलता है पावर स्ट्रोक के अंदर, और पूरा जब डीजल जलता है तो ज्यादा ताकत पैदा होता है। ज्यादा ताकत पैदा होता है मतलब कम डीजल की खपत के अंदर ज्यादा पावर आपको आउटपुट मिलता है। इसकी भी एनिमेशन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। जैसा कि पहले दर्शाया गया है, हवा सिलेंडर में घुसने पर घूमने लगती है। ये घूमती हुई हवा जब कंबस्चन चैम्बर में घुसती है तो कंबस्चन चैम्बर की खास बनावट की वजह से इस दूसरी दिशा में भी घूमने लगती है। हवा की ये दोहरी चाल डीजल को पूरी तरह से जलने में सहायता करती है। अगला जो फीचर है
इसको हम बोलते हैं रिंग कैरियर पिस्टन। पूरा पिस्टन जो है होमोजेनियस मिक्सर से बनता है, मगर रिंग कैरियर पिस्टन का खास बनावट ढलान के समय बनाई जाती है कि इसका जो पहला जो कंप्रेशन रिंग, यहां आप देख सकते हो हल्का सा इसका रंग भी अलग दिख रहा है, तो उसमें होता क्या है, अलग से एक हार्डन्ड कास्ट आयरन इंसर्ट लगाया जाता है। जब उसके ऊपर यह रिंग चढ़ाई जाती है, जैसे कि समझ लीजिए यह रिंग है, रिंग चढ़ाई जाती है, तो ऊपर जब पावर स्ट्रोक होता है तो पहला रिंग में दबाव ज्यादा आता है तो वो हिलने के चांस होते हैं। तो जब यह हिलेगा तो यहां घिसावट आने के चांस साधारण पिस्टनों में होती है, मगर ये रिंग कैरियर पिस्टन के अंदर स्पेशल कास्ट आयरन इंसर्ट होने के कारण ये घिसता कम है। अगर इंजन की मेंटेनेंस की बात करें तो इंजन में अगर पहला काम आ गया तो आपको पिस्टन बदलने की जरूरत नहीं होगी, खाली रिंग बदलो और इंजन आपका रेडी हो जाता है। इससे जो आपका इंजन है वो लो मेंटेनेंस हो जाता है। आइए स्क्रीन पे इसका भी एक एनिमेशन हम देखेंगे। पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से को सबसे ज्यादा तापमान और दबाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऊपर वाले रिंग के खांचे में स्टील की एक इंसर्ट ढलाई के समय ही डाल दी जाती है। इसकी वजह से ऊपर वाले रिंग के खांचे को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है, जिससे पिस्टन की उम्र बढ़ती है और पिस्टन को पहले ओवरऑल के समय दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑयल रिंग। मतलब पिस्टन के अंदर कंप्रेशन रिंग भी होते हैं और ऑयल रिंग भी होते हैं। जो ऑयल रिंग एवियल टेक्नोलॉजी इंजन के अंदर होता है उसके अंदर एक स्पेशल तार वाली स्प्रिंग डाली जाती है, जिससे वो पिस्टन बाहर की तरफ प्रेशर बना के रखता है। और सिलेंडर के अंदर जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो ज्यादा जब तेल लग जाता है सिलेंडर में तो उसको पूरा खरोच के नीचे सम्प में गिरा देता है, ताकि कंबशन टाइम के अंदर तेल ना जले। इसलिए आप देखिए एवियल टेक्नोलॉजी के जो इंजन होते हैं, पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक इंजन के अंदर जब तेल आप बदलते हो तो मिनिमम 300 घंटे के बाद ही बदलते हो। आज के नए टेक्नोलॉजी इंजन आ गए जो 500 घंटे के अंदर आप बदलते हो, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि एवियल टेक्नोलॉजी की वजह से। पिस्टन के नीचे वाले रिंग के अंदर एक तार वाला स्प्रिंग दिया गया है जो कि रिंग को लगातार बाहर की ओर धकेलता है और रिंग को सिलेंडर लाइनर के साथ सटा कर रखता है। इस वजह से रिंग सिलेंडर लाइनर से तेल खुरचने यानी कि ऑयल स्क्रैपिंग में बहुत सक्षम हो जाता है, जिससे इंजन में तेल की खपत ना के बराबर होती है। इसको हम बोलते हैं साइड ड्रेन पिस्टन। माने एक तो ऑयल रिंग हो गया जो खरोच लेता है ज्यादा तेल को सिलेंडर से, उसको नीचे गिराने के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो ये साइड ड्रेन ऐसे मददगार होता है। जब वो ऑयल खरोच लेता है तो ये स्पेशल खाचे उस तेल को नीचे गिरने में बहुत मदद करते हैं और वो तेल जाके नीचे सम्प के अंदर, ऑयल सम्प के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो रिसर्कुलेट फिल्टर होके लुब्रिकेशन में चले जाते हैं। पिस्टन के ऑयल स्क्रैपिंग रिंग के नीचे विशेष खांचे दिए गए हैं। जब पिस्टन नीचे आता है तो तेल बहुत आसानी से इन खांचों से होता हुआ नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस फ्लो डिजाइन। इसका मतलब जब हवा आती है इनलेट मैनिफोल्ड इस तरफ से आती है और जो जली हुई काला धुआं है वो इस तरफ से जाता है, दोनों ही अलग अलग दिशा पे हैं। इसका फायदा ये होता है कि इनटेक मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से दूर रहने से जो गर्माहट एग्जॉस्ट गैसेस से आता है वो इनलेट मैनिफोल्ड को लगता नहीं है। जैसे कि देखिए जब वातावरण में ठंडी हवा ज्यादा है तो वहां सांस लेने में आसानी होता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है। उसी प्रकार से जब ये क्रॉस फ्लो डिजाइन की टेक्नोलॉजी इंजन में होता है तो जो शुद्ध हवा अंदर आ रही है वो गर्म नहीं, वो ठंडा होता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा इंजन के अंदर जाता है तो जो भी डीजल स्प्रे होता है वो पूरा जलता है, पूरा जलता है। जैसे मैंने पहले कहा था, पूरा डीजल जलने से ताकत ज्यादा पैदा होता है, वही है क्रॉस फ्लो डिजाइन। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है प्लेटो हॉर्निंग। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ ट्रैक्टरों में आपने सुना होगा, पहले सर्विस तक आप इसको फुल लोड में मत चलाओ, पहले सर्विस तक आप पूरे आरपीएम रेज इसमें मत दो। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि उस ट्रैक्टर का इंजन जो है वो पूरा सेट नहीं हुआ है। तो अगर फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में जो एवियल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड है उसके अंदर कहा जाता है
वो बुकलेट में भी लिख के देते हैं, पहले घंटे, पहले मिनट, पहले सेकंड जब आप ट्रैक्टर को चालू करते हो तो पूरा लोड में चलाओ, पूरे रेज में भी चला सकते हो अगर जरूरत है तो। फैक्ट्री से ही पूरा इंजन सेट होके आता है तो आप इसको पूरे लोड में चला सकते हो। इसका फायदा ये कि आपको पहले सर्विस तक लोड डालने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी चीज, अगर दूसरे ट्रैक्टरों में अगर आपने ज्यादा लोड भी डाल दिया तो इंजन सही सेट नहीं होगा, जिसकी वजह से शायद आने वाले समय में डीजल की खपत ज्यादा लगता होगा, पावर जितना आपने सोचा था उतना पैदा नहीं कर पा रहा होगा। तो एवीएल इंजनों में ये दिक्कतें नहीं आती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है ग्राफाइट कोटेड पिस्टन। ग्राफाइट कोटेड, ये ग्राफाइट है क्या, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ग्राफाइट ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है जो पिस्टन के स्कर्ट के ऊपर पूरा ही ढलान के समय एक लेयर कोट की जाती है, ताकि जब भी इंजन हैवी ड्यूटी काम आप करते हो, हैवी लोड में चलाते हो, तो पिस्टन गर्म होने के संभावने होते हैं। जब ग्राफाइट की कोटेड पिस्टन होती है तो वो गर्म जल्दी नहीं होता, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसका फायदा यह है कि जो पिस्टन कितने भी प्रेशर में, कितने भी लोड में चलाओ, वो अपना आकार जो बनाया हुआ है वो बिगड़ता नहीं है, इंजन को ज्यादा घिसने से बचाता है। तो आखिर में तीन और फीचर में बताना चाहूंगा, ये है इनलेट वॉल। एवीएल टेक्नोलॉजी इंजन के अंदर जो वॉल होते हैं वो बड़े बड़े इस्तेमाल किए गए हैं इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए। इसका फायदा यह है कि शुद्ध हवा जब इनटेक में होता है तो ज्यादा हवा अंदर ले लेता है, और ज्यादा हवा अंदर लेने से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है, और डीजल जब जलता है तो पूरा ही जलता है और ज्यादा ताकत पैदा होता है। जो एग्जॉस्ट वॉल है उसको भी हमने बढ़ा दिया हुआ है एवीएल टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका फायदा यह है, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है तो काला धुआं बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब वॉल बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर आसानी से निकल जाता है, और नेक्स्ट इनटेक शुद्ध हवा आने के लिए जगह बनाए रखता है। एवीएल टेक्नोलॉजी के अंदर एफआईपी पंप या फ्यूल इंजेक्शन पंप जो इस्तेमाल होता है वो होता है हाई प्रेशर पंप। साथ ही साथ इसमें हाई प्रेशर पी टाइप इंजेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर, माइको बॉश का। इसका फायदा यह है, इन पंप और इंजेक्टर की डिजाइन इस तरीके से है कि डीजल जब छिड़काव होने की कोशिश करेगा तो वो इतनी प्रेशर में छिड़काव होता है, हवा के साथ आसानी से घुल जाता है। मतलब हवा और डीजल की मिश्रण बहुत ही उमदा होता है, और जब ये जलता है तो पूरा ताकत पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, एवीएल टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने 11 ऐसे पॉइंट बताए जिससे ट्रैक्टर के अंदर कम डीजल की खपत में ज्यादा शक्ति पैदा होता है, डीजल की बचत होता है, और तीसरा सबसे मुख्य चीज, मेंटेनेंस सबसे कम होता है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, एवीएल टेक्नोलॉजी तो हमने जान लिया, मगर ये डीआई टेक्नोलॉजी क्या है, एडीआई टेक्नोलॉजी क्या है? जब ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो ये कहा जाता है ये डीआई इंजन है, ये एडीआई इंजन है, इनमें फर्क क्या है? तो इस सवाल का जवाब है, डीआई का मतलब है डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, और एडीआई का मतलब है एडवांस डायरेक्ट इंजेक्शन का इंजन। तो डीआई से भी एडीआई जो होता है वो एडवांस्ड होता है। कैसे, आइए जानते हैं। एडीआई इंजन इक्वल टू फुल एवीएल टेक्नोलॉजी इंजन, मतलब एडीआई एडवांस डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन तभी होता है जब इसके अंदर सारे जो एवीएल के जो 11 पॉइंट मैंने बताए वो सारे गुण उसके अंदर है, जैसे कि हेलिकल एयर इंटेक सिस्टम, री एंट्रेंट कंबशन चेंबर, साइड ड्रेन पिस्टन, ग्राफाइट कोटेड पिस्टन, स्पेशल ऑयल वाली रिंग, प्लेटो हॉर्निंग, रिंग कैरियर पिस्टन, क्रॉस फ्लो डिजाइन, बड़े इनलेट और आउटलेट वॉल, हाई प्रेशर एफआईपी और पी टाइप इंजेक्टर। तो ये 11 के 11 गुण अगर एक इंजन के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं फुल एवीएल इंजन, और वो हो जाता है एडवांस डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। तो कई ट्रैक्टर कंपनियां करते क्या है, पूरे की जगह हेलिकल एयर इंटेक, री एंट्रेंट कंबशन और साइड ड्रेन पिस्टन, तेल वाले रिंग डाल दिया, और वो बोलते हैं एडीआई इंजन। तो इससे पूरा टेक्नोलॉजी नहीं बनता है। तो अगर एडीआई इंजन फुल एवीएल अगर आप कहना चाहोगे तो ये सारे गुण इंजन के अंदर होनी चाहिए, जिसका फायदा होता है
कम डीजल की खपत में ज्यादा शक्ति और इंजन के मेंटेनेंस ना के बराबर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड के अंदर आपने जाना है इंजन के टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो भी AVL टेक्नोलॉजी होता क्या है। अगला एपिसोड का अगर मैं बात करना चाहूंगा तो वो होगा क्लच टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हम अगले हफ्ते, अगले शनिवार को मिलेंगे। हम बात करेंगे क्लच टेक्नोलॉजी के अंदर कितने अलग अलग प्रकार होते हैं और क्लच के मटेरियल के अंदर कितने अलग अलग प्लेट उपलब्ध है मार्केट में, और क्लच के अंदर जो स्प्रिंग यूज होती है उसमें कितने प्रकार होते हैं, कौन से उपकरण के लिए कौन सा क्लच फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं अगले शनिवार को फिर हम मिलेंगे ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर दूसरे एपिसोड में, जो है क्लच टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारे एपिसोड को आप मिस ना करें। धन्यवाद।